اللهم صل على محمد وعلى محمد. तो इज़्ज़ाम मुहतरम, सूरह हम की तफसीर के ऊपर चंद बातें और आज आपके गोशगुज़ार करना है, और क्योंकि 9 मुहर्रम कल है, उसके बाद फिर अब 10 मुहर्रम को गुजारिश है आप सबसे कि इस फर्श अज़ा पर, इस फर्श इबादत पर बैठकर ख़ास दुआ तसद्दुक़ हज़रत बाबुल हवाइज अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएं कि बरादर शबीह के बेटे ईसा की तबीयत बहुत ख़राब है, जब से मैं आया हूँ यहाँ मुस्तकिल उसको बीमार देख रहा हूँ, परवरदिगार बतसद्दुक़ बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम इस बच्चे को मुकम्मल शफा सेहत और सलामती अता कर, इसकी तमाम तकलीफ़ को, इसके पेन को, इसकी बीमारी को मुस्तकिल और जड़ से दूर कर दे। परवरदिगार बस सदक़े हज़रत अबुल फज़ल अब्बास बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम दुनिया में जो भी बीमार है, परेशान है, सबकी बीमारियों को, सबकी परेशानियों को दूर फरमा बफज़ल अबुल फज़ल अब्बास। सलावात बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक चीज़ और आपके कुछ गुजार करके और अपने मतलब पर आ जाऊँ कि इंशाल्लाह कल जहाँ तक बयान रुका था वो इंशाल्लाह 9 मुहर्रम को उसकी बाज तफसीलात आपके सामने पेश करूँगा। एक नया रुख पेश करना चाह रहा हूँ आपके सामने, किल्लत अफराज से कोई टेंशन ही नहीं होता है, आप इतने हैं बस सबूत दीजिए कि हैं। सलावात पर मोहम्मद वाले मुख्तरम समाते आपकी बेदार है माशाल्लाह। ये सूरह हम्द जो फातिहतुल किताब है, जो किताब का प्रीफेस भी है और जो किताब की सिनॉप्सिस भी है, जो किताब को की इब्तिदा भी है, किताब की इंतहा भी है, इब्तिदाए कलाम में रखा है और फिर मदीने में नाजिल करके निचोड़ पेश कर दिया कि पूरा कुरान सूरह हम्द के दायरे से बाहर नहीं है। इसमें गौर करें तो इसमें जहाँ सलीक़ा बंदगी सिखाया जा रहा है, जहाँ इंसान की तरबियत की जा रही है कि अपने रब से कैसे हम कलाम हो, वहीं पर उसूल की तरबियत की जा रही है कि इसके अंदर तौहीद भी छुपी हुई है, इसके अंदर अकीदा रसालत भी छुपा हुआ है कि कौन दे रहा है ये सूरह हम, किसकी तसद्दुक में इतना अजीम सूरह इंसानियत के हवाले हो रहा है, इसके अंदर साहिबान नेमत का भी तस्करा है कि जो साहिबान विलायत हैं, इसके अंदर उनका भी तस्करा है कि जो साहिबान नेमत के दुश्मन हैं, और इसके अंदर उस सिरात मुस्तकीम का तस्करा है जो सीधा द स्ट्रेट पाथ कि जिस पर चलकर इंसान अल्लाह से मुलाकात कर सकता है, यानी जहां से चला था पलट के वहीं जाना है उसे। इस फलसफे में गौर कीजिएगा इंशाल्लाह, बक़ैद हयात जब कभी जिंदा रहा और आपने बुलाया तो इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी कि ये अजब फलसफा है कुरान का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो आपको यहाँ भेजा है ना, फिजिक्स में आप पैराबोला बनाते हैं, यानी एक पॉइंट से यूं कर्व बना के और फिर नीचे चले जाते हैं, यानी जहाँ से आए थे वहीं वापस जाना है मगर अल्लाह की मदद से। इसी वापसी का सफर है आपका, परवरदिगार ने अपने पास से यहाँ भेजा, ट्रांजिट लाउंज में भेजा, थोड़ी देर जिंदगी गुजारो, ये हम तुमको बता देते हैं कि ये हराम, ये हलाल, ये अच्छा, ये बुरा, और ये हमारा रास्ता है और ये हमारे डिवाइन टीचर है, अब तुम अपनी अक्ल से फैसला करो कि हम तक कैसे आना है, सादत के रास्ते पे आना है कि बर्बादी के रास्ते पे आना है। सलावात अल मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही इम्तिहान है तुम्हारा। अगर तुम अपने आप को फकत ये समझते हो कि तुम फकत एक मादी वजूद, यू आर ओनली अ मटेरियल बीइंग, देन यू डू नॉट हैव एनी स्पिरिचुअल विजन, कि तुम्हारे पास कोई रूहानियत ही नहीं है, तुम एक पुतले हो कि जो चल रहा है और फिर तुम अपने ही तहत अपने ही वजूद में गिरफ्तार हो। अगर मादे मटेरियलिज्म से ऊंचा जाकर अपनी फिक्र को बुलंदी देना चाहते हो तो अपने अंदर एक बड़ी गहरी हकीकत जिसे रूह कहते हैं उसको अनलॉक करो तो इसी मादे के कैद से बाहर निकलकर अपने सफर पर जा सकते हो। लेकिन अगर असीर मादा रहोगे,
अगर ये चाहते हो कि सर्वितूड में रहो मैटर के, तो पस्ती की